और मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव में एक बार फिर आदित्य ठाकरे की वायु माफ कीजिएगा युवा सेना ने जीत हासिल की है युवा सेना ने सभी दस सीटों पर बाजी मारी और एबीवीपी का खाता तक नहीं खुलने दिया इस जीत के बाद आदित्य ठाकरे ने उम्मीदवारों को बधाई दी है और मुंबई हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 24 सितंबर को दस सीटों के लिए चुनाव हुआ था सिनेट की दस सीटों में से पांच सीटें रिजर्व और पांच सीटें ओपन थी और कुल अट्ठाईस उम्मीदवारों ने चुनाव में हिस्सा लिया था और इस बार करीब 55 फीसदी मतदान हुआ था और युवा सेना का नेतृत्व उद्धव तो ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया